हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी व्याकरण है। तो व्याकरण का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम अपने भाव और विचार मुख्य रूप से लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर भी हम समझते हैं। जैसे कि रमा पत्र लिख रही है और नेताजी भाषण दे रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं और आदित्य पुस्तक पढ़ रहा है। तो विचारों या भावों को व्यक्त करने का एक और भी ढंग होता है, वो है संकेत द्वारा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो संकेत द्वारा पानी मांगते हैं, और सिपाही हाथ से यातायात रुकने का संकेत करता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है। तो जब बच्चा पानी मांगता है तो माँ ये समझ जाती है कि उसको पानी पीना है। तो भाषा हमारे लिए बहुत अहम है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। अतः भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को कहना या व्यक्त करना होता है। अब है हमारी भाषा। तो भाषा होती है भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचार हम ग्रहण करते हैं, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। तो इसमें प्रथम होता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, सबसे प्रथम हमारे आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। यही क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। और यह भाषा मौलिक या प्रारंभिक भाषा होती है। बच्चा लिखने से पहले ही अपनी मातृभाषा का प्रारंभिक रूप सीख जाता है, वह बोलने और समझने लगता है। तो लिखना कब सीखता है? वो बाद में सीखता है। और पहले बच्चा क्या सीखता है? बोलना और समझना सीखता है। तो हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश कार्य इसी भाषा का होता है। कौन सी भाषा का होता है? हमारे जीवन में अधिकांश कार्य मौखिक भाषा का होता है। जैसे कि हम कहानी सुनते हैं, कोई हमें कुछ कहता है वो सुनते हैं, तो सब किस में आते हैं? मौखिक भाषा के अंदर ही आते हैं। दूसरी है हमारे लिखित भाषा। तो लिखित भाषा बच्चों वो होती है जब हम अपने भाव और विचार दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। और इसे सीखने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। लिखित भाषा स्थाई होती है, जैसे कि पत्र लिखना या निबंध लिखना, ये सब किस में आते हैं? लिखित भाषा में आते हैं। या अपनी बात, जब कोई बोल नहीं सकता, जैसे कि कोई गूंगा है वो बोल नहीं सकता, तो वो अपनी भाषा को, वो किस तरीके से अपने भाव और विचारों को प्रकट करेगा? हमारे सामने लिखकर। वो हमें लिखकर समझाएगा कि उसको क्या चाहिए या उसको क्या जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव और विचारों को केवल संकेतों से समझते हैं या प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग प्राय मुक, बधिर तथा युद्ध स्थलों में किया जाता है। तो मुक मुक होता है जो बोल नहीं सकता, वो किस प्रकार हमें समझा सकता है? संकेत द्वारा भी हमें वो समझा सकता है। आगे आपके आती है हमारी लिपि।
तो लिपि होती है भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और उन मतलब उन संकेतों को चिन्हों द्वारा व्यक्त किया गया है, तो उसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण है भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब हम हमारी भाषा को शुद्ध रूप से लिखते हैं और समझते हैं, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। भाषा की शुद्धता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। तो भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आगे है हमारे राष्ट्रभाषा। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है और हमारी जो राजभाषा है वो भी हिंदी है, इसी ही हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। आगे आपके प्रश्न दिए हैं मैंने कुछ, तो इन प्रश्नों को आपको करना है। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था अभी, तो भाषा किसे कहते हैं ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भाषा के कितने भेद होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, और उन भाषा के जितने भेद होते हैं उनके नाम भी साथ में आपको लिखना है, और हमारी हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो ये इसका आंसर भी आपको लिखना है। हिंदी सेकंड की आपको नोटबुक बनानी है अलग से, उसके अंदर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।